देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। दादी जी की दीर्घायु की कामना के साथ शताब्दी महोत्सव का हुआ समापन। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के मुख्यालय शांतिवन में चल रहे 4 दिवसीय शताब्दी महोत्सव का समापन हो गया है। इस मौके पर डायमंड हॉल में महाराष्ट्र से आए 5,000 से अधिक लोग मौजूद रहे। महोत्सव में सभी अतिथियों ने दादी जी के 100वें जन्मोत्सव पर उन्हें शुभकामनाएं देते हुए लंबी उम्र की कामना की, साथ ही दादी जी द्वारा ताउम्र की गई विश्व सेवाओं को याद किया। इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी वीके मोहिनी दीदी ने कहा कि होली माना पवित्रता, पवित्रता दुनिया का सबसे बड़ा बल है। तो वहीं अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी वीके जयंती दीदी ने कहा कि होली उत्सव हमें संदेश देता है कि जीवन रंगों की तरह होना चाहिए। आगे संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी वीके मुन्नी दीदी, महासचिव राजयोगी वीके निर्वैर भाई, मीडिया प्रमुख वीके करुणा भाई समेत अन्य वरिष्ठ जनों ने अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की। क्योंकि दादी इतनी प्यारी हैं और शुरू से बाबा ने इस साकार में अव्यक्त बाप दादा ने उनको बहुत बहुत स्नेह भी दिया है, स्पेशल शक्ति भी है और स्पेशल पार्ट भी है। फिर भी अभी दादी आई नहीं है, लेकिन दादी जी को बाबा का दिल तखत मिला हुआ है और दिल तखत पर दादी विराजमान रहती हैं। दादी अभी तो बिल्कुल साकार में ही एंजल स्वरूप है, दृष्टि से हम सबको निहाल कर रही है और हम तो यही कहेंगे कि दादी हमारे संग रहे और हम कट्ठे कट्ठे दादी के संग उड़ के अपने घर जाएं। तो दादी आपको आज के दिन की बहुत बहुत मुबारक हो। प्रेम से मनाए, उमंग के साथ मनाए और अपने दिल की आशीर्वाद दुआएं दादी जी को देवे। दादी जी को हम देख रहे हैं, हमारी प्यारी दादी तो सर्व गुणों की खान है और दादी जी को हम देख रहे हैं, कर्मातीत अवस्था अगर देखनी हो तो दादी जी की देखिए। दादी जी हमारे मैनेजमेंट कमेटी की चेयरपर्सन भी हैं और साथ साथ मैं तो यही कहूँगा 100 वर्ष उन्होंने पूरे किए हैं। ये उनकी डिसिप्लिन्ड लाइफ की एग्जाम्पल से हमें सीखने को मिलता है। महोत्सव के दौरान 4 दिनों तक रात में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। इसमें खास तौर पर भोपाल ब्लेसिंग हाउस से आए कलाकारों ने भी अपनी प्रस्तुतियों से सभी का मन मोह लिया। कलाकारों की कला देखकर चरित्र और पात्र जीवंत हो उठे। डायमंड हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। वहीं मुंबई घाटकोपर सब जोन से आए कलाकारों ने भी सुंदर प्रस्तुतियां देकर वाहवाही बटोरी। शांतिवन की ब्रह्मा कुमारी बहनों ने दादी जी के जीवन पर आधारित नाटिका की प्रस्तुति दी। वहीं श्री कृष्ण श्री राधा के वेश में कलाकारों ने होली उत्सव मनाया। मना रहे मंगल महोत्सव जन्म शताब्दी का।
और आज हमारी दादी जी पूरे 100 वर्ष की हो गई है। 100 वर्ष? पर वो दादी जी तो 100 वर्ष की लगती ही नहीं। हाँ, वो तो कितनी एक्टिव है। संयुक्त मुख्य प्रशासिका बीके सुदेश दीदी, कार्यकारी सचिव बीके डॉक्टर मृत्युंजय भाई, वैज्ञानिक एवं अभियंता प्रभाग के अध्यक्ष बीके मोहन सिंघल, ग्लोबल अस्पताल के निदेशक डॉक्टर प्रताप मिड्ढा, डॉक्टर सतीश गुप्ता, बीके उषा, बीके गीता, बीके डॉक्टर सविता, दादी जी की निजी सचिव बीके लीला सहित खासकर महाराष्ट्र से आए 5,000 से अधिक लोग मौजूद रहे। संस्था के पीआरओ बीके कोमल ने अंत में सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया। होली पर्व पर सेवा केंद्र की मनाई गई सालगिरह। होली पर्व पर ब्रह्म कुमारीज मंडावली सेवा केंद्र की 29वीं सालगिरह हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुनीता ने सभी को शुभकामनाएं दी और होली पर्व का अलौकिक अर्थ बताया। जिस तरह होली के अलग अलग रंग होते हुए भी एक हो जाते हैं, उसी तरह अलग अलग राज्य, वेशभूषा व बोली होते हुए भी विश्व एक परिवार है का संदेश देते हुए इंद्रपुरम और मंडावली सेवा केंद्र के सदस्यों द्वारा शानदार सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई। वहीं मयूरविहार फेज 2 के सदस्यों ने कवाली गाकर होली को सच्चे अर्थों के साथ मनाने का संदेश दिया। इस कार्यक्रम में इंद्रपुरम सेवा केंद्र प्रभारी बीके रश्मि, मयूरविहार फेज 1 की प्रभारी बीके शिरीषा, फेज 2 की प्रभारी बीके सपना, मधुबन न्यूज की बीके पूजा समेत अन्य बीके बहनों ने दीप जलाए और केक कटिंग कर सभी को बधाई दी। इस अवसर पर ब्रिगेडियर एसके अरोड़ा समेत संस्था से पिछले 30 वर्षों से जुड़े और मंडावली मयूरविहार फेज 1 फेज 2 से बड़ी संख्या में बीके सदस्य उपस्थित हुए। इस दौरान विनोद नगर निगम पार्षद रविंद्र नेगी भी होली का पर्व मनाने सेवा केंद्र पहुंचे, जहां सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुनीता ने उन्हें तिलक लगाते हुए पर्व की शुभकामनाएं दी और दी लाइट मूवी देखने के लिए बतौर मुख्य अतिथि आमंत्रित किया। छत्तीसगढ़ के भिलाई स्थित ब्रह्मा कुमारीज के सेक्टर 7 के पीस ऑडिटोरियम में प्रातः राजयोग सत्र के पश्चात होली पर्व बड़े ही हर्षोल्लास और उमंग उत्साह के साथ मनाया गया, जहां पर ना रंग था, ना पिचकारी, ना ही गुलाल, फिर भी सभी खुशी के रंग में रंगे हुए थे। सभी को शीतल चंदन का तिलक लगाकर गुलाबबाशी पुष्पों की वर्षा कर होली का पर्व मनाया गया। राधे कृष्ण के साथ संस्कार मिलन की रास करते हुए सभी ने जीवन में सरलता, खुशी, आत्मिक मुस्कान, दिव्य गुणों की धारणा के साथ खुश रहकर दूसरों को भी खुशी का रंग लगाने का संकल्प लिया। प्रभारी बीके आशा के निर्देशन में राजयोग भवन परिसर में आयोजित संध्या होली स्नेह मिलन में जीना इसी का नाम है, सुबह जल्दी उठने के फायदे, जैसा अन्न वैसा मन, छत्तीसगढ़ की परंपरा, जय जोहार सबले बढ़िया छत्तीसगढ़िया, देखो समझो नाटक, आज के जीवन में आध्यात्मिकता की आवश्यकता आदि हास्य नाटकों, नृत्य, व्यंग गीतों के माध्यम से बहुत ही सुंदर संदेश दिया गया। होली के पावन पर्व पर ऐसा ही कुछ खास और अनोखा नजारा गुजरात के राजकोट में भी देखने को मिला, जहां हैप्पी विलेज रिट्रीट सेंटर में बीके सदस्यों ने होली उत्सव मनाया। रंग के तिलक से सभी का स्वागत हुआ तो वहीं सांस्कृतिक आयोजन के साथ विविध आध्यात्मिक गेम्स भी सभी ने खेले। पर्व का वास्तविक अर्थ समझाते हुए गुजरात जोन के निदेशिका बीके भारती दीदी के सानिध्य में सभी ने पर्व की खुशियां मनाई। प्रयागराज के सोराउं स्थित ब्रह्मा कुमारीज के ज्ञान सूर्य संग्रहालय में महिलाओं के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें अतिथि के तौर पर महिला मोर्चा जिला उपाध्यक्षा संजू शुक्ला, मंडल अध्यक्षा उर्मिला शुक्ला, राधा कृष्ण स्कूल की प्राचार्य उमा कांति चौरसिया, स्वास्थ्य अधिकारी आरती, माउंट आबू से आई बीके शिवांगी ने दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि परमात्मा शक्ति द्वारा ही महिलाओं का आंतरिक सशक्तिकरण संभव है। कार्यक्रम में ज्ञान सूर्य संग्रहालय के बीके रतन लाल ने सभी से राजयोग सीखने का आह्वान किया, तो वहीं बीके अरुणा ने कॉमेंट्री द्वारा राजयोग का अभ्यास कराया।
अंत में अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भेंट कर शुभकामनाएं दी गई। इस अवसर पर बीके सुमिता, बीके अक्षत, बीके गोपी भी मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ के कोरबा स्थित विश्व सद्भावना भवन में होली महापर्व बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर बीके बिंदु ने परमात्मा के संग के रंग में रंग कर उनके सर्व गुणों का रंग अपने अंदर लगाने और बीती को बिंदी लगाने का आह्वान किया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके रुकमणी ने अपने उद्गार व्यक्त किए और होली की सभी को शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में सभी भाई बहनों को होली का तिलक लगाया गया, साथ ही कुछ गेम्स भी आयोजित हुए जिसमें सभी ने भाग लिया। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश के अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।